गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। सो गाइस आपने थंबनेल देख लिया होगा, इस बार का डेकोरेशन होने जा रहा है गणपति थीम का, जंगल थीम। सो आओ क्विकली अब जंगल थीम का डेकोरेशन करते हैं बप्पा के लिए, और फिर बप्पा को हम लेके आएंगे, बप्पा को विराजमान करेंगे और फिर बप्पा की आरती और पूजा करेंगे। आपको सारा थीम दिखाता हूँ कि मैंने कैसे जंगल थीम बनाया स्टेप बाय स्टेप, तो आप ज़रूर देखना और अगले साल आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। सो मेरे पास टेबल है जिसपे मैं जंगल थीम बनाने वाला हूँ, और साथ में मैंने पेपर के थोड़े रैप्स कर लिए हैं जो आप अभी आगे देखोगे। सो करते हैं अपनी थीम को फटाफट स्टार्ट। सो आओ गणपति बप्पा का नाम लेकर अपनी करते हैं थीम को स्टार्ट, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। गाइस फाइनली बहुत मेहनत के बाद पेड़ तैयार हो गया है ऑलमोस्ट। ये सारी थोड़ी सी मैंने लताएं बनाई हैं, जो पेड़ के ऊपर लताएं आ जाती हैं वो बनाई हैं। अब हम इस पर करेंगे पेंट, फिर लगाएंगे हम पत्तियाँ। सो बहुत सारा काम अभी भी बाकी है, और जो पीछे वॉल है उसे भी डेकोरेट करना है। सो देखते रहो वीडियो, आपको बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा। अब इस पेड़ को पेंट करते हैं। सो फाइनली पेड़ बन गया, पेड़ पे कलर भी हो गया। बहुत ज़्यादा टाइम लगा और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। यस
पेड़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी आपको अगर आप पेड़ बनाओगे तो। मैंने तो इसमें टिश्यू पेपर लगाया था और उसके ऊपर मैंने कलरिंग की है। हो सके तो आप जो बोरी होती है जो जिसमें चावल आती है वो पतली वाली बोरी ले, उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ पेड़ पे लगाएं और उस पर कलर कर, उसको कलर करने में आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। टिश्यू पेपर पतला होता है, आप उस पर कलर करोगे गीला कलर होता है वो टिश्यू पेपर, कभी कभी फट भी जाता है। सो अगर हो सके तो बोरी पे प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाओ, उसकी कोटिंग करो पेड़ के ऊपर और उस पर कलर करो, वो जल्दी आपके लिए होगा और वो आसान भी रहेगा आपके लिए। अब पेड़ का काम हो गया है, बैक में पत्थर लग गए हैं, अब इस पर हम लगाते हैं पत्तियाँ पेड़ पर और आगे का डेकोरेशन करते हैं। सो आगे देखो। तो फिलहाल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, आप चलते हैं पापा को लाने के लिए, पापा को विराजमान करते हैं, फिर आसपास में पापा के और भी हम डेकोरेशन करेंगे वो अभी आगे आप देखोगे। तो आओ चले पापा को लाने के लिए। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, 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 गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो फाइनली बापा हमारे घर विराजमान हो गए हैं, आप देख ही रहे हो बापा कितने सुंदर लग रहे हैं, बापा का श्रृंगार कितना सुंदर लग रहा है। और ये डेकोरेशन जो मैंने की, आपने कंप्लीट डेकोरेशन देखी, डेकोरेशन अपने हिसाब से जैसी आपकी जगह है आप चेंज कर सकते हो। मेन है ये पेड़ और ये बैक, मैंने आपको दोनों दिखाया कैसे बनाना है। अब आप अपने घर में गणपति बापा के लिए अच्छा सा डेकोरेशन करें, मंडप बनाएं और वहाँ पे अपने घर में बापा को विराजमान करें। सो ये थी कंप्लीट वीडियो गणपति डेकोरेशन के ऊपर, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। गणपति बापा आप सभी के जीवन में भरपूर खुशियाँ लेकर आए। तो इसी के साथ मेरे साथ एक बार प्रेम से बोल दीजिए, गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।